कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अडल एट डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर फॉर्मेट ओके तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है उसने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाया है वो भी पचास सेंटीमीटर पर तो वो उन्होंने इमेज डिस्टेंस दिया है राइट फिफ्टी सेंटीमीटर पर क्या बनी है इमेज बनी है तो दिस मस्ट भी वी लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है उसके लिए हम लोग काम करते हैं पहले लेंस को बनाते हैं हमारा ये जो लेंस है वो कौन सा है कॉन्वेक्स अभी ये मैं शॉर्ट एक डायग्राम निकाल रहा हूं यहां पे ध्यान से देखो ये है कॉन्वेक्स लेंस इसका जो राइट हैंड साइड होता है राइट हैंड साइड उसमें कौन सी इमेज बनती है रियल इमेज कौन सी इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में इमेज कौन सी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट राइट हैंड साइड में कौन सी रियल इन्वर्टेड लेफ्ट हैंड साइड में वर्चुअल इरेक्ट अब ये क्या बोल रहे हैं इमेज कैसी बनी है आप यहां पे देख सकते हैं दे हैव सेड द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड मतलब उल्टी है और रियल है रियल मतलब राइट हैंड साइड पे आ जाएगी करेक्ट रियल मतलब क्या राइट हैंड साइड पे मतलब इमेज यहां पे कहीं तो बनी है ऐसी रियल इन्वर्टेड बोला ना रियल एंड इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड कहाँ रहता है राइट हैंड साइड में तो ये जो डिस्टेंस है कितना बोल रहे हैं वो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस फिफ्टी तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे राइट right साइड पे कैसे वैल्यूज रहते? Right रहते हैं ऑप्टिकल सेंटर के राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव रहते हैं ये राइट right साइड पे है ना इमेज तो वी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव पॉजिटिव फिफ्टी करेक्ट नाउ वी तो फिक्स हो गया कि उसको पॉजिटिव क्यों लिया है वेर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अब ये चाहते हैं कि हम यू फाइंड आउट करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उनको नीडल कहां पे प्लेस किए बोल रहे हैं तो दे वांट अस टू फाइंड यू यू कितना है तो निकाल लेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं एक्स्ट्रा इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इमेज का का और object का जो साइज है वो एक ही है मतलब वन है इन शॉर्ट राइट तो आ, अगर ऐसा वो बोल रहे हैं कि वेर द इमेज इज लोकेटेड द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज कैसा है सेम है दैट इज ट्रू इसका मतलब यह है कि एच डैश इज इक्वल टू एच हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उन्होंने बोला नाव लेटस ट्राई टू सोल्व दस सोल्व करते हैं भाई ऑल्सो पावर भी निकालना है तो पावर भी निकाल लेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला एच डैश इज इक्वल टू एच तो हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या वॉट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इट इज एच डैश बा करेक्ट अभी आ, ये जो हमारा ये एच इज एच डैश इज इक्वल टू एच है तो मैग्निफिकेशन क्या लेना पड़ेगा वन या तो एक काम करते हैं ये आपको सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली यहीं से बोल सकते हैं सो सो एम इज इक्वल टू वन है ना क्योंकि एच डैश बाई एच कितना आ जाएगा वन अब रियल इन्वर्टेड बोला है रियल इन्वर्टेड अगर बोला है तो एम का साइन क्या होगा निगेटिव ये चीज़ आप ध्यान में रखें एम पॉजिटिव कब लेते हैं वर्चुअल इरेक्ट के वक्त इमेज अगर वर्चुअल इरेक्ट है एम अगर निगेटिव कब लेता है अगर रियल इन्वर्टेड हो तो ये कंडीशन है हमने वन क्यों लिया आई होप यू अंडरस्टूड कि क्योंकि इमेज हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम तो एच बाई एच डैश एच डैश बाई एच इज्डू आ जाएगा वन और माइनस क्यों लिया क्योंकि इमेज कैसा है रियल इन्वर्टेड तो मैग्नीफिकेशन तो आ चुका है हमारे पास मैग्नीफिकेशन का और एक फॉर्मूला क्या है माइनस वी बाई या फिर प्लस वी बाई यू यहां पर हमको लेना पड़ेगा प्लस वी बाई यू राइट right? क्योंकि लेंस है लेंस में प्लस वी बाई यू रहता है मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है माइनस वन वी का वैल्यू कितना है प्लस फिफ्टी यू का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस फिफ्टी तो ये हमारा बहुत ही जल्दी आंसर आ गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया भाई माइनस फिफ्टी तो इन्होंने पूछा था ना वेयर शुड द नीडल बी प्लेस्ड हाँ तो लिख देंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में नीडल needs to नीड्स टू बी प्लेस्ड नीड्स टू बी प्लेसड centimeter in front of the lens सही तो है ओके तो ये हो गया हमारा आंसर पहला वाला पार्ट अब उनको पावर भी चाहिए राइट ये खाली उनको उतना नहीं चाहिए पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कौन सा ये वाला लेकिन उनको पावर भी तो चाहिए तो पावर भी तो फाइंड आउट कर लेता है पावर का फॉर्मूला क्या रहता है वन बाई फोकल लेंथ मतलब उसके लिए हमको फोकल लेंथ की जरूरत है उसके सिवा हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट कैसे निकालेंगे वन बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे वी का वैल्यू फिफ्टी प्लस फिफ्टी माइनस यू का वैल्यू क्या है माइनस फिफ्टी करेक्ट ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे प्लस करेक्ट माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो दैट विल बी वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय फिफ्टी प्लस वन बाय फिफ्टी डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग वन बाय फिफ्टी इज इक्वल टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय फिफ्टी कितना आ जाएगा ये टू बाई फिफ्टी टू फिफ्टी मतलब कितना होता है वन बाई ट्वेंटी फाइव है ना टू बाई फिफ्टी मतलब कितना आ जाएगा वन बाय ट्वेंटी फाइव तो फोकल इन कितना आ गया भाई ट्वेंटी फाइव वो भी प्लस प्लस ट्वेंटी फाइव तो फोकल लेंथ हमारा आ चुका है अब फोकल लेंथ से पावर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ किस में होना चाहिए मीटर में होना चाहिए टू तो फाइंड आउट पावर तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हंड्रेड से डिवाइड कर लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में हो गया एफ इजिकल टू तो कितना आ जाएगा फिर ट्वेंटी फाइव बाय हंड्रेड एस वन बाई फोर मीटर ये आपका फोकल लेंथ आ गया नाउ यू कैन फाइंड पावर पावर का फॉर्मूला क्या है वन बाई फोकल लेंथ पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है वन बाई फोर मीटर में तो फोर ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा फोर और यूनिट क्या रहता है पावर का डायोप्टर्स ओके okay, तो ये हो गया आपका फुल आंसर तो यहां पे लिखेंगे हम लोग लास्ट में पावर ऑफ द लेंसेज फोर डी अगर आपको मेंशन करना है देखो कि वो प्लस फोर डी है तो आप वैसा भी कर सकते हैं हालांकि वैसा कुछ कंपल्शन नहीं है पावर ऑफ द लेंसेज प्लस फोर डी बस दिस इज योर कंप्लीट आंसर